अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ शबीना ठाकुर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शबीना अली। तो आज हम इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप में दूध दुलेरी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये 3 लीटर फुल क्रीम मिल्क यानी मलाई के साथ दूध को गर्म किए हैं और फिर ताज़ा दूध लीजिएगा। उसे गर्म करना है तेज आंच पर और जैसे ही दूध उबलने लगेगा आंच को धीमा करना है और धीमा करके इस पर मलाई को जमने दीजिए। और जब मलाई जम जाएगी तो अब इस तरह से चम्मच से कट कीजिए। देखिए, हमें इस तरह से चम्मच से कट करना है और दूध में इस मलाई को मिक्स करते जाइए। इसी तरह से आपने 3 से 4 बार दूध को उबालना है, मलाई जमने देना है और मलाई को कट करके दूध में मिक्स कर लेना है। देखिए, यहाँ पर दूध उबल रहा है, अब हमें इसे फिर से कट करना है और कट करके दूध में मिला लेना है। इसी तरह से गर्म करना है और दूध को गाढ़ा करना है। तो ये प्रोसेस हम कम से कम 3 से 4 बार करेंगे, तब हमारी दूध गाढ़ी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये 1 कप दूध लिए है और ये जो हमने स्पून दिखाए हैं, ये स्पून से हम 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, यानी के 1 लीटर में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपको लग रहा है कि आपका दूध पतला है तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो हम एक स्पून की मदद से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, दूध उबल रहा है तो इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो ये चीनी तकरीबन 1 कप है, मैं यहाँ 1 कप ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप अपने जितना आप मीठा पसंद करते हो उतना आप हिसाब से चीनी डाल सकते हैं और इसे डालकर मिला ले। तो अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला दूध तैयार करके रखे थे वो ऐड करेंगे और इसमें ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध डालते जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखी हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैं ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध डाल रही हूँ और चम्मच से मिला रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो सारा कॉर्नफ्लावर वाला दूध डालिए और इसे पकाइए जब तक के दूध गाढ़ा नहीं होता। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने यहाँ ये 1 कप वर्मसिल लिए है यानी के सेवई है। तो ये आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा या फिर आप अपने मोटी सेवैयाँ ले सकते हैं। इसे हम कलर सेवैयाँ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कलर सेवई कैसे बनाते हैं। तो हमने एक बर्तन लिए है और इसमें ये 1 कप पानी ऐड किए हैं। अब इसमें हम ये 1 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा पिंक फूड कलर डालेंगे और इसे अब उबलने के लिए रख देंगे। और जब ये पानी उबल जाए तो इसमें ये आधी सेवई ऐड करेंगे, क्योंकि आधी सेवई की हम पिंक कलर बनाएंगे और आधी सेवई की हम ग्रीन कलर बनाएंगे। तो इसमें हम अब पिंक बना रहे हैं तो आधी सेवई इसमें ऐड करेंगे। तो पानी उबल गया है, अब इसमें हम ये सेवई ऐड करेंगे और इसे पूरा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये सेवई अब नरम हो गई है, अब इसे निथार लेते हैं यानी कि छान लेते हैं। ये अब परफेक्ट है। हम ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह कलर सेवई नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ खास जगह पर मिलती है। ये रेसिपी सभी लोग बना पाए इसलिए हम आपको इस तरह बता रहे हैं, बहुत डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। तो जब ये सेवई पक जाएगी यानी सेवई जब नरम हो जाएगी तो तब आप इन सेवैयों को निथार लीजिएगा और छान लीजिएगा और इसे ऐसे ठंडा, थोड़ा सा ठंडा
पानी डालकर धो ले लीजिए। और धोने के बाद एक कटोरे में ठंडा पानी डालिएगा और इसे इस तरह से सेवैयाँ डालकर रख लीजिए। अगर आप बिना पानी के रखेंगे तो ये सेवई जम जाएगी। इस तरह से हमें ठंडे पानी में रख देना है। इसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो ये दूध में डालने के बाद कलर भी नहीं छोड़ेगी। इसी तरह हम ये सेकेंड वाला स्टेप यानी कि ये ग्रीन कलर का भी सेवई बनाएंगे। तो हमने ये दो तीन ड्रॉप ग्रीन कलर के ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी उबलने के लिए रख देते हैं। और जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें हम हमारी सेवई डालेंगे। अब ये उबल गई है, अब इसमें हम ये सेवई ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए अब ये हो गया है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम निथार लेते हैं और फिर वही स्टेप जो हमने पिंक वाले में किए थे इसे ठंडे पानी में फिर रख देते हैं ताकि इसे इसका कलर ना निकले दूध में। चलिए अब इसके आगे के स्टेप के लिए हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये फ्रूट कॉकटेल लिए हैं, तो आप चाहे तो कोई भी फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। इसके बाद ये हमने फ्रेश क्रीम लिए हैं, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। और ये छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं, मैंने इसे घर पर बनाए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप गुलाब जामुन की रेसिपी के लिए मेरी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, ब्रेड गुलाब जामुन और काला गुलाब जामुन की रेसिपी। और ये कलर सेवई है जो हमने अभी बनाए हैं, ये ग्रीन कलर की सेवई है और ये पिंक कलर की सेवई है। तो यहाँ पर हम कुछ गार्निशिंग के लिए लिए हैं, तो ये हम थोड़े से बहुत चॉप किए हुए पिस्ता लिए हैं, ये टूटी फूटी रेड कलर की, ये काजू है इसे भी हमने फाइन कट किए हैं, ये बादाम है इसे भी कट किए हैं और ये चेरी है और ये रसगुल्ला है। तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि हम दूध दुलेरी खाए तो हर एक बाइट में इसका मज़ा मिले। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लावर वाला दूध बनाए थे उसे ठंडा करने के लिए रखे थे, तो अब ये बिल्कुल भी ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम ये जो हमने फ्रेश क्रीम लिए हैं इसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इस मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिए है, आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी ले सकते हैं, इसे ऐड करना है और इसे अब एक बड़ी सी डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जिस डिश में हमें सर्व करना है हमने वो डिश लिए है। अब इसमें हम जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला दूध बनाया है वो ऐड करेंगे। इसे हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम ये जो हमने सबसे पहले इसमें हम ये कॉकटेल फ्रूट ऐड करेंगे, आप चाहे तो आप अपने मर्जी का कोई भी इसमें डेकोरेट के लिए ले सकते हैं। तो अब इसमें हम ये जो हमने छोटे छोटे पीस बनाए हैं रसगुल्ला के उसे ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो ये कलर्ड सेवई बनाए हैं इसे ऐड करेंगे, ये गुलाब जामुन भी डालेंगे, हम ये बताना भूल गए थे ये गुलाब जामुन हमने डाले हैं। अब ये पिंक कलर की हो गई है, अब ये हम ग्रीन कलर वाली सेवई ऐड करेंगे। अब इसे हम गार्निश करेंगे कुछ ये टूटी फूटी से।
ये टूटी फूटी से कुछ गार्निश कर लेंगे हम। कुछ ड्राई फ्रूट से, ये पिस्ता है, पिस्ता से हमने गार्निश किए हैं इसे। कुछ बादाम ऐड करेंगे। कुछ काजू ऐड करेंगे। और ये कुछ हमारे पास चेरी है, ये इसे भी हम ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से बनाएं और इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखना है, और फिर ठंडे होने के बाद इसे सर्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। घर में अगर आपके पास दो तीन मिठाइयाँ हैं तो बहुत आसानी से इसे आप बना सकते हैं। मेहमानों के आने पर तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपके सारी फैमिली मेंबर्स को और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया है। मैंने आपको इसमें सेवई किस तरह से बनाई जाए वो बताई हूँ। तो आपको ये रेसिपी दूध दिलेरी की अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।